जानते हैं कि क्या कुछ खास है विपुल मिश्रा की किताब पिरामिड ऑफ वर्जिन ड्रीम्स। नौकरशाहों के पास समय कुछ कम ही होता है और अगर कोई उस दौरान एक उपन्यास भी लिख दे तो बात तो बड़ी हुई ही ना। विपुल मित्रा की किताब पिरामिड ऑफ वर्जिन ड्रीम्स अभी हाल ही में छप कर आई। विपुल मित्रा से हमने पूछा कि वो इस किताब के जरिए कहना क्या चाहते हैं। जो किताब है ये अबाउट लाइफ ऑफ ब्यूरोक्रेट, जिसका मेन पात्र है कार्तिकी कुकरेजा, वो एक ब्यूरोक्रेट है और किताब की जो पूरी स्टोरी है वो एक ब्यूरोक्रेट सोसाइटी को कैसे देखता है एज एन आउटसाइडर। तो ये अलग तरह का ब्यूरोक्रेट है जो ब्यूरोक्रेसी में आया है लेकिन इज लाइक एन आउटसाइडर ट्रैप्ड इन द पिरामिड ऑफ वर्जिन ड्रीम्स। उसके कुछ अनफुलफिल ड्रीम है, उसके कुछ एस्पिरेशंस हैं जो पूरे नहीं होते और वो उसके जरिए पूरी किताब को डिस्क्राइब करता है। पिरामिड ऑफ वर्जिन ड्रीम्स एक व्यंगात्मक उपन्यास है, कहीं से आईएएस बिरादरी निराश तो नहीं हो जाएगी। हम लोग सेल्फ क्रिटिकल भी होते हैं, हम लोग जब ऑफ द रिकॉर्ड आपस में मिलते हैं बात करते हैं, जो हम इनफॉर्मल गैदरिंग्स में आईएएस एसोसिएशन में बात करते हैं, तो वी आर वेरी क्रिटिकल ऑफ अवर ओन सिस्टम मेनी टाइम। तो वी आर ओपन टू क्रिटिसिज्म, ऐसा नहीं है कि हम क्रिटिसिज्म को नहीं ले सकते, लेकिन इट इज मोर देन क्रिटिसिज्म, इट इज नॉट अबाउट गवर्नेंस, इट इज अबाउट डेली सिचुएशन, जो जिंदगी की रोज बरोज की जो सिचुएशन है उसके ऊपर ये किताब लिखी गई। अफसर शाहों के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो कई बार रोड़े भी अटकाते हैं, तो क्या कोई ऐसा वाक्य उपन्यास में है? जो जिंदगी में पब्लिक लाइफ में हम जो देखते हैं, जो महसूस करते हैं एज ए ब्यूरोक्रेट वर्किंग में, वहीं से बहुत सारे एग्जाम्पल्स उठाए हुए हैं। तो जिंदगी में से निकाले हुए जो एग्जाम्पल्स हैं, इंसिडेंट्स हैं, सिचुएशंस हैं, प्लेसेस हैं, पीपल हैं, उनमें से ये स्टोरी वीव की है अपने। आईएएस अफसरों को कई बार तबादले भी झेलने पड़ते हैं, ऐसे कुछ किस्से हैं क्या आपकी किताब में? जो मेन कैरेक्टर है नॉवल का, वो इसी बात से न्यूज है जो आप बताए हैं, वो ये सब देखता है कि जब वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है और उसकी जो ट्रांसफर हो जाती है तो लोग कैसे आके साइकोफेंसी करते हैं, उसकी खुशामद करते हैं, और जैसे ही ट्रांसफर होती है लोग उसको पहचानते भी नहीं। जब साइड पोस्ट पे ट्रांसफर हो जाती है तो सर्किट हाउस में भी रूम नहीं मिलता, उसका रूम एक एमएलए को दे दिया जाता है, और जो सर्किट हाउस का क्लर्क है वो खड़ा भी नहीं होता क्योंकि वो इज जस्ट अ डिप्टी सेक्रेटरी इन द स्टेट सेक्रेटेरिएट, नॉट द कलेक्टर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो सिचुएशंस में उसको अंतर दिखता है उससे इज वेरी अम्यूज्ड एंड इज वेरी हैप्पी। उम्मीद है पाठकों को इस उपन्यास के जरिए अफसरशाही के अंदर झांकने का मौका जरूर मिलेगा।